नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है सुमित और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। गुप्ता डायनेस्टी यानी कि गुप्त काल या फिर गुप्त वंश जो था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला जाता है। गोल्डन एज ऑफ इंडिया मतलब भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है। और इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे गुप्त काल को। पहले देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और इसके जो ग्रेट रूलर्स हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पार्ट टू में हम जो ग्रेट रूलर्स हैं उनके जो काम हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो सवाल पूछे जाते हैं वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में उनको अच्छे से देखेंगे। और जो पार्ट थ्री है उसके अंदर देखेंगे कि इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, ये एम्पायर किस तरह से इसका पतन हुआ और इसका जो कल्चर था वो किस तरीके का था। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे इस गुप्ता डायनेस्टी में। और ये हमारा पार्ट 15 है एंशियंट हिस्ट्री का। तो जिन लोगों ने 1 से 14 तक के पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो 14 पार्ट तक देखें। ठीक है, तो इससे पहले हमने इंडो ग्रीक, इंडो सीथियन और इंडो पर्थियन प्रजातियां पढ़ी और कुषाण वंश पढ़ा। अब आ गए हैं हम गुप्ता डायनेस्टी में। तो जो लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और वेरियस स्टेट पीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस लेसन को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, गुप्ता डायनेस्टी जो है उसका शासन कब से कहाँ तक था और ये कहाँ तक फैली हुई थी, मैं इसको मैप में आपको बताऊंगा ही। लेकिन ये 240 एडी से रफली ये स्टार्ट होता है और 550 एडी तक ये शासन इनका चलता है पूरे नॉर्थन इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में, और थोड़ा सा इनका हिस्सा समुद्रगुप्त के टाइम पे साउथ इंडिया में भी फैल जाता है। ओके, तो ये जो डायनेस्टी है मैं आपको एक तरीके से दिखाता हूँ। पहले मैप में देखिए, ये पूरा मगध जो कि हमारा बिहार था, पाटलिपुत्र उसकी कैपिटल थी मगध की, और ये यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये पूरा जो एम्पायर था ये था इस डायनेस्टी के रूल के अंदर आया करता था। मैंने आपको बताया था इधर इंडो सीथियन का रूल भी रहा, इंडो ग्रीक्स का रूल भी रहा, इधर से इंडो पर्थियन भी आए, फिर कुषाण इस चाइनियन टेरिटरी की तरफ से आए और उन्होंने यहाँ ये वाला इलाका जो था वो आया करता था, जो पिछली डायनेस्टी हम पढ़ रहे थे कुषाण डायनेस्टी उनका। और लेकिन इनका जो शासन है वो पूरा नॉर्थ इंडिया, कुछ हिस्सा आप देखें आज मॉडर्न डे पाकिस्तान का और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान का भी इसमें था। तो झेलम, चेनाब, सतलुज, ये नदी, उसके अलावा गंगा यमुना का भी पूरा ये जो प्लेन्स हैं ये पूरे इनके अंदर ही आया करते थे। तो काफी समृद्ध इनका क्षेत्र था। ओके, उसके अलावा इन्होंने अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 साल का इनका शासन था। वैसे हम देखें इनका प्रोमिनेंट पीरियड तो वो तो 320 से शुरू होता है, 320 से लेके 520 तक के इनके बीच का जो समय है वो इनका प्रोमिनेंट पीरियड था जब ये फैल रहा था। और उसके बाद ये इसने ओवरऑल देखें तो ये 500 साल तक शासन किया। किस तरीके से किया, जो कुषाण वंश जो था जिसको हम पढ़ रहे थे कुषाण वंश, उसके ये उस वंश के अंदर ये एक तरह से वो थे फ्यूडल लॉर्ड थे, एक तरह से क्या सामंत थे शुरू में। और इनका जो शुरू के जो राजा हैं एक दो वो भी एक तरह से सामंत रहे, वो पूरी तरह से बड़े किंगडम नहीं थे, एम्परर नहीं थे। लेकिन बाद में आगे आने वाले वंशों के टाइम जब कुषाण वंश कमजोर हो गया तो ये इंडिपेंडेंट हो गए और इनका शासन फिर इनका इंडिपेंडेंट शासन चलने लग गया। तो ये इनकी चीजें हुई और इसको गोल्डन एज मैंने बताया था बोलते हैं। और इसका कुछ श्रेय कुषाण वंश को भी जाता है क्योंकि उन्होंने जो इनको विरासत दी थी वो अपने आप में एक समृद्ध राज्य था और उस समृद्ध राज्य को इनको मिला और इन्होंने उसका और ज्यादा डेवलपमेंट किया, आर्ट, कल्चर और साहित्य में, साथ ही साथ मूर्तिकला में, सब चीजों में इन्होंने इनका विकास किया। ठीक है, और ये हैं, ये जो मैंने आयरो बना रखे थे मैंने मैप बता दिया है, ये है उनका कैंपेन। समुद्रगुप्त ने कुछ कैंपेन किए थे, लड़ाइयाँ करी थी साउथ इंडिया की तरफ भी और उनमें उनको कुछ सक्सेसफुल भी हुए थे। तो ये यहाँ तक उनका शासन भी आगे फिर फैलेगा। ठीक है, तो ये गुप्ता डायनेस्टी है। इसका ओरिजिनल देखो, दो चीज़ें होती हैं किसी भी जो डायनेस्टी है उसके बारे में, जब उसका ओरिजिन के बारे में पूछते हैं तो बेसिकली तीन सवाल पूछते हैं। एक तो फाउंडर के बारे में, तो इसका फाउंडर जो है वो तो था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त था फाउंडर, फाउंडर यानी कि संस्थापक, संस्थापक। और एक और सवाल बनता है वो होता है रियल संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर। वास्तविक संस्थापक क्या होता है, वास्तविक संस्थापक वो होता है जो इस वंश का सबसे ज्यादा वो करेगा, जो सबसे ग्रेट राजा होगा इस डायनेस्टी का, जिसने इस वंश को आगे लेके गया, जिसकी वजह से इस वंश की डोमिनेंस बढ़ी, वो था जो चंद्रगुप्त प्रथम जो था, वो था इसका पोता, श्रीगुप्त का पोता था चंद्रगुप्त प्रथम। देखो, एक हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य, वो मौर्य वंश का था। इसके अंदर दो चंद्रगुप्त और आएंगे, एक आएगा चंद्रगुप्त प्रथम
और फिर आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो प्रथम और द्वितीय है ये दोनों गुप्ता डायनेस्टी के हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ऑब्वियसली मौर्य डायनेस्टी का है। ठीक, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो इसका रियल संस्थापक था, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, एक वो चीज है। तो संस्थापक में तो आपको हमेशा श्री गुप्त पे टिक करना है, और अगर पूछे वास्तविक संस्थापक तो वहां आपको टिक करना है किस पे, चंद्रगुप्त प्रथम पे। ठीक, मैंने आपको बताया था 320 से लेके इनका प्रोमिनेंस शुरू हुआ था नॉर्थ इंडिया में और साउदर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में। उसके बाद एक सवाल तो हो गया आपका संस्थापक का, दूसरी चीज बनती है कि इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये लोग आए थे बेसिकली। जिस तरीके से हमने कुषाण वंश का देखा कि वो चाइना के एरिया से आए थे, कुछ लोगों का मानना है कि वो मिडल एशिया से आए थे, मिडल उससे आए थे, ईरान वाले इलाके से आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके भी सेम चीज है, उसमें हमने चाइना को ज्यादा वो दिया था कि चाइना की तरफ से आया, उस चीज को हिस्टोरियंस ज्यादा ज्यादा करेक्ट मानते हैं। इनके भी यही है कि इनका जो पूरी तरह से नोन नहीं है कि इनका होमलैंड कहाँ था, उनका ओरिजिनेट कहाँ हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इनका ओरिजिनेट बंगाल में हुआ, और कुछ लोगों का मानना है कि प्रयाग में हुआ। आज ये शहर, पहले ये इलाहाबाद था यूपी में, प्रयाग, अब वापस इसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो वहीं पे इनका ओरिजिनेट हुआ, इस जो प्रजाति है, ये जो डायनेस्टी है गुप्ता डायनेस्टी, वहां हुआ। और मैंने आपको बताया था शुरुआत में ये सामंत थे, कुषाण वंश के अधीन काम किया करते थे, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट हो गए। इवन जो इनका पहला राजा है श्रीगुप्त, ये भी शुरू में सामंत था, और इससे इसके पूर्वज थे, उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है डायनेस्टी, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी वैसे शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सामंत जरूर थे वो भी। ओके, उसके बाद आता है कि इनकी कास्ट क्या थी। कास्ट के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको चारों कास्ट ना जो होती थी उस समय, हिंदू थे, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे गुप्ता डायनेस्टी के किंग जो है, बाद में कुछ वंश के जो लोग हैं इसके ही वो वापस उसको फॉलो करने लगेंगे बुद्धिज्म को, लेकिन शुरुआत में ये इसको फॉलो करते थे हिंदुइज्म को। तो हिंदुइज्म में आपको पता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र होते हैं, तो अलग अलग हिस्टोरियन ने इनको अलग अलग ही बोला है, किसी ने क्षत्रिय बोला है, किसी ने ब्राह्मण बोला है, किसी ने वैश्य बोला है, लेकिन हमें मानना है वैश्य। याद रखना ब्राह्मण और वैश्य ज्यादातर जगह मिलेगा आपको, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर कहीं पूछा जाए तो ऐसे सवाल वैसे पूछता नहीं है एग्जाम में, इस तरीके के सवाल पूछता नहीं है जिनके ऊपर हिस्टोरियंस मतभेद रखते हों, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको वैश्य क्लिक करना है। ओके, अब बात आती है थोड़े जो इनके किंग हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो भी ग्रेट किंग हुए गुप्ता डायनेस्टी के, उसके बारे में बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। उसका डिटेल रिव्यू है, डिटेल जो मैं हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त को क्यों याद रखना है, इसके पीछे क्या फैक्ट है। सबसे पहली बात ये है फाउंडर ऑफ इस डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी का ये संस्थापक है। दूसरी बात, इसकी रिजीम कब तक चली, इसकी रिजीम चली 240 एडी से लेके 280 एडी तक के समय में श्रीगुप्त ने शासन किया। ओके, और इसने क्या टाइटल यूज किया, इसने टाइटल यूज किया महाराज का, महाराज का। ठीक है, और जब तक ये सामंत थे तब तक ये महाराज का शासन, ये टाइटल इस्तेमाल करते थे। इसका बेटा घटोत्कच, वो भी इतना पावरफुल राजा नहीं था, वो भी एक तरह से सामंतवादी राजा था, और इन दोनों ने अपने टेरिटरी को ज्यादा ये बढ़ा नहीं पाए, एक्सपांड नहीं कर पाए, बस एक तरह से इस साम्राज्य की नींव डाली, उसको थोड़ा सा शासन इन्होंने चलाया। फिर है घटोत्कच, इसकी ये श्रीगुप्त का बेटा है, श्रीगुप्त का बेटा है, और इसने 280 एडी से लेके 319 एडी तक इन्होंने शासन किया, और इसने भी महाराज टाइटल को ही फॉलो किया। तो ये है घटोत्कच के बारे में आपको फैक्ट। ओके, फिर है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम, इसकी रिजीम शुरू होती है 319 एडी में, और 334 एडी तक ये शासन करता है, और ये फर्स्ट ग्रेट किंग होता है, फर्स्ट ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, जो ग्रेट किंग है उनके बारे में तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी ही चाहिए, और इसको इसीलिए ग्रेट किंग है फर्स्ट, तो ये क्या होगा, रियल फाउंडर होगा, रियल जो गुप्ता एरा है वो स्टार्ट यहाँ से होता है, गुप्ताओं का जो वो डोमिनेंस है वो यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम के समय से। ओके, उसके बाद आता है इसने टाइटल क्या लिया, इसने लिया महाअधिराज, महाराजा अधिराज, महाधिराज, ठीक है, महाराजा अधि राजाधिकार राज, मतलब इसने महाराजा महाराजाओं के लिए, और इसने महा, एक मिनट सॉरी, रा महाराजा दी जा राज। ठीक है, मैंने थोड़ा अगर लिखने में थोड़ी गड़बड़ कर दी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे महाराज धीराज ये इस तरीके से है।
ओके, ये है एग्जैक्टली। तो महाराज अधिराज की उपाधि किस तरीके से गुप्ता किंग ने ली, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद इसने काफी मैरिटल वो रखे थे, संबंध रखे थे दूसरे राजाओं के साथ, अच्छे संबंध बनाने के लिए। और इसने अपनी खुद की शादी की, एक लिच्छवी जो किंगडम था उसकी राजकुमारी थी जिसका नाम था कुमार देवी, कुमारा देवी। उसके अलावा अपनी बेटी की शादी भी इसने दूसरे किंगडम्स में करवाई। और इसने किस तरीके काफी तरीके के मैरिटल संबंध बनाए ताकि अपने राज्य को ये स्ट्रोंग रखे और दूसरे राजाओं के साथ इसकी लड़ाई ना हो। तो ये चंद्रगुप्त इस तरीके से मैरिटल ऑफ वो संबंध बना के भी वो किया करता था, अपने राज्य का एक्सपांड किया करता था और अपने राज्य को मजबूत बना के रखता था। उसके बाद है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त इसका दूसरा ग्रेट राजा होता है, इसका बेटा होता है चंद्रगुप्त प्रथम का, और ये महान राजा है। इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन किस चीज में निपुण था? नेपोलियन था लड़ाई में, यानी कि उसका जो वो लड़ता था, जो इतना मिलिट्री लीडरिंग वो बहुत अच्छे थे, उसके मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे। उसी तरीके से समुद्रगुप्त के भी मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे, इसी वजह से इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कौन कहता है? एक आयरिश इंडोलिस्ट है, इंडोलिस्ट है यानी कि इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखते हैं, और विंसेंट स्मिथ इनका नाम है। इन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और इनका जो समय है वो 335 एडी से लेके 380 एडी तक का जो समय है, इस समय में इन्होंने भारत पे शासन किया, नॉर्थ इंडिया में, ना कि पूरे भारत में। ओके, फिर बात आती है कि इनके जो स्क्रिप्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ईरान स्क्रिप्ट। ईरान स्क्रिप्ट मध्य प्रदेश में इनके कैंपेन्स के बारे में आपको डिटेल मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, कौन सी स्क्रिप्ट है पूछी जाती है। फिर हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मैंने बताया था तीन आएंगे, प्रथम आ गया है इसमें गुप्ता डायनेस्टी में, अब दूसरा आएगा। अब चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको बोलते हैं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थे, विक्रमादित्य भी बोलते हैं, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी इसका नाम है। आप इस तरीके से याद रखें, द्वितीय क्या होता है हिंदी में? द्वितीय यानी सेकंड। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी है, और विक्रमादित्य में भी आपको दिख रहा है कि द्वितीय आता है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्त द्वितीय है, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का एक शासक था। आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि हम तीसरा चंद्रगुप्त पढ़ रहे हैं अभी तक। इसकी जो रिजीन है वो शुरू होती है 380 एडी से लेके 412 एडी तक इसने शासन किया, और इसका शासन में सबसे ज्यादा ये फला फूला, ये जो साम्राज्य है ये बहुत इसमें, क्योंकि इसके समय में बहुत महान महान तो इसके पास वो थे, जेम्स थे, जो जिन जैसे कि आपको पता है भरतहरि, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ये महान महान इसके राज्य में वो हुआ करते थे, जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो वो थे, इपिक्स जो इन्होंने लिखी। कालिदास भी इनके ही नवरत्नों में से एक था। तो नवरत्न सिर्फ ऐसा नहीं है कि अकबर के ही नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के भी नवरत्न थे, जिनको नाइन जेम्स इन हिज कोर्ट बोला जाता है, और इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कौन थे नाइन जेम्स। ओके, और इसने विक्रमादित्य की टाइटल लिया। देखो पहले दो राजाओं ने किसका लिया, जो शुरू विष्णुगुप्त, वो श्रीगुप्त और घटोत्कच, उन्होंने लिया महाराज का। फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए, उन्होंने महाधिराज का लिया, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय आए हैं, इन्होंने क्या लिया है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। फिर चंद्रगुप्त के बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, और कुमारगुप्त की रेजिम शुरू होती है 413 एडी से लेकर 455 एडी तक के समय में। ओके, और इन्हीं के समय में बनती है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी वो बनती है, पूरी तरह से नींव डाली जाती है, फाउंडेशन की जाती है, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछा जाता है कि किसके समय में बनी, तो ये बना था कुमारगुप्त, इसका फाउंडर माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा के बारे में पूछा जाता है तो किसके समय में बनी थी, गुप्ता डायनेस्टी के बनी थी। देखो तक्षशिला से बहुत, तक्षशिला इससे बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, इससे 600-700 साल पहले बन गई थी, वो बीसी में बन गई थी, और ये एडी में जाके 413 के बाद बनती है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार के में है, पटना में। ओके, और इसको शक्रादित्य भी कहा जाता है, शक्रादित्य कहा जाता है, ठीक। उसके बाद है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद में एक महान राजा आता है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, जो कि इसके बाद राजा बनता है, और इसका शासन शुरू होता है 455 एडी से लेके 467 एडी तक के बीच में, और इसने भी विक्रमादित्य की हाई टाइटल लिया, विक्रमा द्वितीय, विक्रमादित्य का टाइटल। किन किन दो राजाओं ने लिया, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त, ये दोनों ही कहाँ है, गुप्ता डायनेस्टी के। विक्रमादित्य का टाइटल बहुत सारे राजाओं ने लिया है, मैं आपको एक दिन लिस्ट पूरी बना के बता दूंगा। इसने एक इम्पोर्टेंट हुन एक प्रजाति थी, उसका एक अटैक हुआ था,
इसके समय में गुप्ता डायनेस्टी पे। इसको इसने रिपल्स किया, इस युद्ध को इसने रोक दिया, लेकिन ये फिर भी इसने बहुत ज्यादा इस एम्पायर को एक तरह से बर्बाद कर दिया था इस हुन के आक्रमण ने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर अब विष्णुगुप्त, ये लास्ट ग्रेट रूलर माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का, और इसने 540 से लेके 550 तक एडी में शासन किया। इसके बीच में स्कंद गुप्त और विष्णुगुप्त के बीच में भी कुछ राजा आए, उनके बारे में हम इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्विक रिव्यू। एक बार मैं आपको बताऊं तो हमने क्या क्या पढ़ा है, जो इसका ओरिजिनल है, इनकी कास्ट है, और इनके ये कहाँ से आए वो चीज़ें, इनका फाउंडर कौन है, और इसके ग्रेट किंग कौन है, जिनके बारे में हमने बेसिक फैक्ट्स जानकारी प्राप्त की। ओके, तो अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ